प्रभु का नाम का महिमा हो। पिछले दो तीन हफ्ते से हम लोग यीशु मसीह का वंशावली में जो स्त्रियां में उसके बारे में हम लोग मनन कर रहे थे, आज हम लोग मनन कर रहे हैं रूथ का बारे में। रूथ कन्नी जाति थी, मोआब देश की थी, फिर भी परमेश्वर का वंशावली में, यीशु मसीह का वंशावली में उनका नाम आ गया। वो भी नहीं, बाइबल में एक किताब उनका नाम में लिखा गया, रूथ का किताब 4 अध्याय है वो हम पढ़े तो पूरा कहानी मालूम है। एक नाओमी और रूथ बैतलहम में वापस आ गया, कटनी का समय है। हम इधर एक रूथ का किताब से एक वचन पढ़े तो रूथ का शब्द से एक वचन हम पढ़ूँ। रूथ बोली, तू मुझसे यह बिनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊँगा, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूँगा। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूँगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण में तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उसमें से अधिक करे। फिर बहनों, एक छोटे से जवान लड़कियों का शब्द है, अपनी सास बुढ़ी ससुमा के साथ बोल रहे। नाओमी अब रोटी का घर बैतलहम छोड़कर मोआब में आ गया, उसका फल वो भोगना पड़ा, उसका पति मरा, दोनों बेटा मरा। आखिर वो और दो बहू बच गया। उसी टाइम नवोमी को मालूम हो गया जो गलती उनसे हो गया, परमेश्वर का देश अपना बैतलहम में लौटने का विचार करने का समय है। ये बहू दोनों उनके साथ जाने के लिए शुरू हो गया। उसी टाइम नवोमी बोल रहे हैं, मेरे बेटियों तुम लोग वापस जाओ, तुम्हारे माता पिता और देवता के पीछे जाओ, तुम मेरे साथ नहीं आना, क्योंकि अभी मेरे को उम्र हो गया, कोई भी किसी के साथ भी विवाह हो गए, एक लड़का हो जाए तो भी वो सयाने होने के तब तुम लोग इंतजार नहीं करना। ये बात हम पढ़े तो नाओमी बोल रहे, यहोवा का हाथ मेरा विरुद्ध उठा है, तुम्हारा दुख से बहुत बड़ा है मेरा दुख है। रूथ का किताब हम पढ़े तो एक ट्रेजेडी है शुरुआत, बट हम लोग देखते हैं परमेश्वर इनके बीच में कैसा काम करे। एक बुढ़ापे में नवोमी को जो जो भोगना पड़ा हम देखते हैं। फिर एक नवोमी का इतना डिस्करेज वेर से कोई उम्मीद नहीं है नवोमी के बात में, लेकिन ओरपा ने उसको चुंबन करके छोड़ दिया। पर रूथ उनके साथ सफर शुरू हो गया, बैतलहम में पहुंच गया। बैतलहम में हार्वेस्ट का टाइम में दोनों पहुंच गया। वो हम लोग देखते हैं एक नमूना है जवान लड़कियों के लिए रूथ, घर में गांव में पहुंच कर देश उनके प्रति अल्लाह में जाया। फिर थोड़ी हम लोग पढ़ते हैं रूथ थोड़ी से समय घर में बैठ कर उसके बाद ये तुरंत अपने लिए और ससुमा के लिए कुछ भोजन के लिए खेत में जा रहे। खुद मूसा का नियम के अनुसार जो हार्वेस्ट का समय गरीब लोगों के लिए और परदेशी लोगों के लिए कटनी के समय थोड़ा सा दान पीछे छोड़ना मूसा ने व्यवस्था में लिखा था, इसलिए जो गरीब है जो परदेशी है हार्वेस्ट का टाइम वो सिलने वालों के पीछे जाते वो ध्यान बटोरते हैं। हम लोग देखते हैं रूथ गया है, बाइबल इंग्लिश बाइबल में ऐसे लिखा है, By chance Ruth reached Boaz खेत, Boaz का खेत में वो पहुंच गया। मलयालम में लिखा है वो भाग्यवशाल, हिंदी में ऐसे ही लिखा है, सुबह जाकर एक खेत में लगने वालों के पीछे भिन्नने लगी और जिस खेत में वह संयोग से गई तो एलीमेलेक का कुटुंबी Boaz का था। तो हम लोग सोचेंगे ये बाई चांस और कोइंसिडेंस हो गया, ऐसा नहीं था। हम बाइबल पढ़े तो ये सब परमेश्वर का योजना था, रूथ Boaz के खेत में पहुंच गया।
हमारे जीवन में भी कितना से दुख भरा जीवन से हम लोग निकलते, तो भी हम लोग कभी सोचे कोई उम्मीद नहीं है ना, ओमी के बात सुने तो कोई उम्मीद नहीं आगे, बट परमेश्वर कैसा कार्य कर रहे हम लोग देखते हैं। रूथ बोवस का खेत में पहुंच गया। बोवस उधर रूथ से बोलते हैं, ये बेटी तुम्हारे बारे में हमारे पूरा शहर में सुना है, तुम अपने पति मरने के बाद तुम्हारा बुढ़ी सासू माँ के लिए तुमने साथ अपने माँ बाप को छोड़कर अपने देवता को छोड़कर तुम एक नया देश में आ गया, तुम उसको कैसे प्यार करते हम लोग सुना है। देखो कितना एक अच्छा गवाही है, ये अन्य देश का है, मोआबाइट है। हम बाइबल में पढ़े तो मोआबाइट लोग दसवां पीढ़ी तक परमेश्वर का सन्मुख आने का कोई परमिशन नहीं है, बट इधर हम देखते हैं यीशु मसीह के वंशावली में इसका नाम आ गया। एक फिर बोवस कहता है, तुम इसराइल का परमेश्वर के पंखे के नीचे थला आश्रय करके तुम आया है, वो परमेश्वर तुम्हारा करने का फल दे। सचमुच हम देखते हैं तो रूथ और ओरपा नवोमी के जीवन देखते हैं तो भी, फिर ओरपा तो छोड़ दिया, फिर रूथ उसके साथ जुड़े रहा। रूथ भी ओरपा भी दोनों देखे होगा, नवोमी इतना कष्टता के साथ जाने के समय अपने परमेश्वर को वो बुलाती होगा, परमेश्वर इनके जीवन में एक परमेश्वर को ये लोग देखा है, कितना भी गलत करे तो भी वो परमेश्वर के ओर से आश्रय नहीं छोड़ा। इसलिए रूथ ने कहा, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, मृत्यु के छोड़ के तुम बोलना नहीं मेरे को छोड़ने के लिए। देखो कितना निर्णय वो ले लिया। हम लोग थोड़ा अपना हम लोग वो जगह है तो कैसा ऐसा आ सकते हैं, जवान लड़की अपना देश छोड़ के अपने माता पिता को छोड़ के अन्य देश में नया देश में आके सीधा बैठा भी नहीं, तुरंत वो चली गई खेत में, फिर उधर से बटोर के लाके अपना अपने लिए और ससुर सुमा के लिए वो खाना लेके आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं बोवस उसको शादी करता है, एक चुड़ा नवोमी का एलीमेलेक का चुड़ाने वाला कुटुंब रिश्तेदार दे। हम पूरे चार अध्याय पढ़े तो बोवस से शादी करता है, हम उससे एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम ओबेद का। हम देखिए तो महाराजा दाऊद का ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से, देखो इतना बड़ा भाग्य परमेश्वर ने रूथ के जीवन में दिया। वो भी नई यीशु मसीह का वंशावली में उसका नाम लिखा गया। हम देखे तो पिछले हफ्ते हमने राघव के बारे में पढ़ा था, राघव इसका सासू माँ बन गया, ये बोवस का माँ राघव दे। परमेश्वर का योजना कितना बड़ा है सारे जातियों के लिए। श्री यशायाह का किताब में हम लोग देखते हैं सारे देशवास के लोग, सारे पृथ्वी के लोग मेरे ओर फिरो मन फिराओ। देखो परमेश्वर का योजना है सारे जातियों से लोगों को बचाना, ये रूथ हमारे जीवन में एक नमूना है। इसलिए प्रिय बहनों, हम हमारे जीवन में भी कोई भी अवस्था से कोई भी दुख से हम गुजरते हैं तो भी एक परमेश्वर को उसके पीछे एक प्लान है। वो अभी रूथ ऐसे ही कोइंसिडेंस और ऐसे ही बाई चांस में नहीं आएगा, परमेश्वर की योजना के अनुसार आ गया। इसलिए हमारे जीवन में जो मुसीबत है दुख आता है उसके पीछे एक योजना है, वो परमेश्वर सब भलाई के लिए करने वाला परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर का नाम का महिमा हो, वही परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। प्रभु ये वचन से हमको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह सबको।